Hello everyone, welcome to another video. This is a how to do video और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी 60 हर्ट्स की मॉनिटर को 120 या जितने भी आप हर्ट्स पे जाएं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग में ही बता दूं, इसके बैड इम्पैक्ट भी पड़ेंगे आपकी एलसीडी पे, कुछ फीडबैक गलत भी आएंगे अगर आपने ज़्यादा हर्ट्स पे लाइक कर दी ओवरक्लॉक. तो ओवरक्लॉकिंग जो है वो आराम से करनी है आपने, स्टेप बाय स्टेप. तो वीडियो पूरी देखना और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने अपनी स्क्रीन को ओवरक्लॉक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक CRU नाम का एक सॉफ्टवेयर है, कस्टम रेजोल्यूशन यूटिलिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना. फाइल्स मिलेंगी, दिस इज़ द सेटअप वन, इसको आपने ऑन कर लेना है. सिंपल आपकी 60 हर्ट्ज पे आपको अपना स्क्रीन जो है वो मिल जाएगी. इसको एडिट करना है, यहाँ से आपने अपनी जो है 75 हर्ट्स पे ले जाएं. ठीक है, मुझे पता है मेरी अब 75 तक जाती है इसलिए मैं डायरेक्ट 75 कर ली है. बट आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 70 डाल ली है, उसके बाद 71 72 73 4 5 अप टू जितनी भी आपकी एलसीडी जा सके. एक लिमिट होती है ओवरक्लॉक करने की, तो ये मैं 75 कर रहा हूँ. यहाँ से आपने ओके करना है और यहाँ से अगर आपकी 64 बिट की विंडोज़ है तो आपने रिस्टार्ट 60 एग्जिट करने के बाद आपने सिंपल जाना है अपनी डिस्प्ले मैनेजर में, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, और यहाँ पर आपको देखेंगे आपके जो 60 हर्ट्ज़ से मॉनिटर के वही नो शो हो रहे होंगे. आपने इधर से डिस्प्ले अडॉप्टर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ से 60 हर्ट्ज़ की जगह आपने 75 हर्ट्ज़ ओके सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है. And you are now ready to, you know, to rock. आपकी 75 हर्ट्स पे हो गई है स्क्रीन और डू इन्जॉय योर गेम प्लेस. अब आप 75 FPS पे अपनी गेम्स चला सकते हैं. और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोकना. एम करते हैं मोर देन 200 लाइक्स का के लिए, सो कर देना यार. थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी कोई वीडियो मिलेगी तो मैं ज़रूर ऐसी बनाऊँगा. तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.